दोस्तों अगर आपको भी इनवाइट कोलैबोरेशन का ऑप्शन जो है वो इंस्टाग्राम पर नहीं दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हम लोग टैग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक टैग का ऑप्शन दिखता है, बट यहाँ पर इनवाइट कोलैबोरेशन वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जिसकी मदद से हम एक ही पोस्ट को दो अकाउंट पे शेयर कर पाते हैं। यहाँ पर आपको मैं दूसरे मेरी जो आईडी है वहाँ पर ये टैग वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके साथ में इनवाइट कोलैबोरेशन वाला भी ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी दूसरी आईडी में यहाँ पर आपको टैग एंड इनवाइट कोलैबोरेशन ये दोनों ऑप्शन दिखते हैं, बट जो हमने दूसरी आईडी अभी ओपन की थी वहाँ पर टैग का ही ऑप्शन दिखता है। तो ऐसे में इसे आपने फिक्स कैसे करना है, ये फिक्स करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी आईडी में लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद अपने होम पेज पे आने के बाद सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। अगर यहाँ पर पर्सनल या फिर प्राइवेट नज़र आ रहा है तब उसे आपने प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करना है उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, जाकर देख सकते हो। प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के बाद जो दूसरी चीज़ आपने करनी है वो है भाई साहब, यहाँ पर आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और चेक करना आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं हो, क्योंकि अगर आपका अकाउंट प्राइवेट हुआ तब ये फीचर्स आप में शो नहीं करेगा, क्योंकि ये फीचर्स प्राइवेट अकाउंट पे काम नहीं करता है। अब दूसरी सेटिंग्स यहीं पे आपने और चेक करनी है, वो है अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट स्टेटस वाला, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये दो कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है इंस्टाग्राम के वो यहाँ पे दिखते हैं। अगर इन दोनों पे ग्रीन टिक है तब तो ठीक है, अगर इनमें से एक भी रेड टिक या फिर रेड क्रॉस नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आया हुआ है, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम ने आपके उस फीचर्स को डिसेबल कर दिया है। तो अगर ये दोनों टिक है तब आपने आगे वाला प्रोसेस फॉलो करना है। अब आगे क्या करना है, आपको यहीं अकाउंट्स में एक और ऑप्शन मिलेगा ब्राउजर सेटिंग्स का, तो इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में ही मिल जाएगा क्लियर का, तो ब्राउजिंग डेटा के सामने क्लियर वाला ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके आपने ब्राउजिंग डेटा को क्लियर करना है, कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना जो अकाउंट है ना वो लॉग आउट कर देना है। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको अपना अकाउंट यहाँ से लॉग आउट कर देना है, कुछ इस तरीके से। आगे का चीज़ मैं बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो कि 3:55 सुबह का टाइम है, ठीक है, और इस टाइम हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, ये मैं अपने लिए शूट नहीं कर रहा, मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे सपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम अपडेट करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो प्ले स्टोर, और अगर एप्पल यूज़र हो, आईफोन यूज़र हो तो ऐप स्टोर से। यहाँ पर देख सकते हो इंस्टाग्राम अपडेट के लिए मांग रहा है, तो हम लोग सिंपली इसे अपडेट करते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन अपडेटेड होगा तभी सारे फीचर्स उसमें शो करते हैं, अपडेटेड फीचर्स अपडेटेड वर्जन में ही शो करते हैं, इसलिए आपको अपना एप्लीकेशन अपडेटेड रखना है। तो इंस्टाग्राम अपडेट होने के बाद दोबारा से लॉगिन करते हैं और फिर से हम लोग चेक करते हैं कि वो इनवाइट कोलैबोरेशन वाला ऑप्शन हमारी आईडी में अनेबल हुआ या फिर नहीं हुआ। तो अभी हम लोग टैग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो अभी भी हमें इनवाइट कोलैबोरेशन का जो ऑप्शन है वो शो नहीं कर रहा। तो ऐसे में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखो अगर मैं चाहता तो यहाँ पर अपने जो जिस आईडी में हमें इनवाइट कोलैबोरेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा के आपको कह देता कि भाई देखो मेरे में अनेबल हो गया, बट फेक वीडियो बनाने से क्या होता है यार, देखो फेक वीडियो हम लोग नहीं बनाते हैं, ओरिजिनल कंटेंट देते हैं, ऑथेंटिक रहता है, तो इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको आना है हेल्प में, रिपोर्ट या प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, नीचे का जो ऑप्शन होगा सेक वाला इसे ऑफ कर देना, उसके बाद दोबारा से रिपोर्ट या प्रॉब्लम पे क्लिक करोगे, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच होगा उसे हटा देना, और जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था ना वो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे अटैच करना है, और फिर यहाँ पर आपने कुछ फिलअप करना है, कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है आपकी आईडी में जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, और साथ में यूज़र नेम देना बेहद इंपॉर्टेंट है, और साथ में स्क्रीनशॉट, ठीक है, जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए, यूज़र नेम होना चाहिए, और आपने फिर सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे इंक्लूड रखना है, यहाँ पे आप देखो ना इस पर टिक रखना, और इसके बाद ही आपने सेंड रिपोर्ट करना है। इसके बाद आपको 48 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा और ये फीचर्स आप में अनेबल हो जाएगा। थैंक यू।